बीएससी पीसीएम फर्स्ट ईयर यूनिट फर्स्ट बुक फर्स्ट लेक्चर सेवन्थ बाय ट्विंकल देशवाल। हेलो स्टूडेंट, आवर टुडेज टॉपिक इज सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास एज द पॉइंट एट विच होल मास ऑफ अ बॉडी मे बी सपोज टू बी कंसेंट्रेटेड। तो सेंटर ऑफ मास वो है जहाँ पे बॉडी का पूरा मास क्या हो जाता है, कंसेंट्रेटेड हो जाता है। तो वो क्या कहलाता है हमारा, सेंटर ऑफ मास। तो सपोज़ कीजिए, तो हमारा ये क्या है, ओरिजिन है। तो यहाँ पे क्या है, सी पॉइंट है, एम वन यहाँ पे लोकेटेड है और एम टू कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे भी लोकेटेड है। तो ओरिजिन से ही सेंटर का, एम वन से एम टू के बीच के सेंटर का जो हमने ओरिजिन से डिस्टेंस लिया है वो क्या लिया, एक्स लिया है। और एम वन तक का हमने क्या डिस्टेंस लिया है, एक्स वन। और एम टू तक का क्या डिस्टेंस लिया है हमने, एक्स टू। तो हमारा सेंटर ऑफ मास एक्स सी डिफाइंड होगा, इस पोजिशन का एक्स सी डिफाइंड होगा एम वन मल्टीप्लाई बाय एक्स वन, एम वन मल्टीप्लाई बाय एक्स वन प्लस एम टू मल्टीप्लाई बाय एक्स टू अपॉन एम वन प्लस एम टू। तो ये क्या कहलाएगा हमारा, सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस एम वन और एम टू टू ऑब्जेक्ट्स का। नाउ अब क्या किया, यहाँ पे एम वन और एम टू था प्लस एम टू था, यहाँ पे एक्स के मल्टीप्लिकेशन में चला गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, एम वन प्लस एम टू मल्टीप्लाई बाय एक्स ए एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू। जो एम वन प्लस एम टू है ये हमने टोटल मास एम को कंसिडर किया कि जो दोनों ऑब्जेक्ट हैं उनका जो टोटल मास है वो क्या है, सेंटर ऑफ मास पे कंसनट्रेटेड है और वो कितना है, कैपिटल एम। तो एम प्लस एक्स सी इक्वल्स टू एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू। अब कंसिडर कीजिए हमारा कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स और वाई का। तो यहाँ पे कोई भी हमारे ऑब्जेक्ट है इस पॉइंट पे, तो उसका कोऑर्डिनेशन क्या है, कोऑर्डिनेट है एक्स वन वाई वन। तो सिमिलरली कोई हमारा एक्स टू ऑब्जेक्ट है, ये एक्स टू नहीं एम टू ऑब्जेक्ट है, उसका कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स टू वाई टू। कोई हमारा ऑब्जेक्ट है या हमारा एम थ्री ऑब्जेक्ट है, उसके कोऑर्डिनेट है वाई थ्री और एक्स थ्री। और जो हमारा इन तीनों ऑब्जेक्ट का जो सेंटर ऑफ मास है वो लोकेटेड है इस सी पॉइंट पे, जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स सी और वाई सी। तो इस अकॉर्डिंग जो हम एक्स सी निकालेंगे, एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू अपॉन एम वन प्लस एम टू, इस फिगर के अकॉर्डिंग। अगर तो एक्स सी क्या हुआ यहाँ पे, ये जो एम वन एक्स वन एम टू एक्स टू तो एम थ्री एक्स थ्री जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट रखे जाएंगे तो हम इसका टोटल एक समीशन ले आएंगे। तो एम आई एक्स आई, और ये जो आई क्या है वन से लेके थ्री तक के, क्योंकि यहाँ पे हमने थ्री ऑब्जेक्ट को कंसिडर किया है। और टोटल मास क्या है हमारा एम आई, एम आई क्या है, आई इजिकल्स से वन से लेके थ्री तक। तो इस एक्स सी को, सेंटर ऑफ मास को हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक्स सी क्या होगा, समीशन ऑफ एम आई एक्स आई, और जो टोटल मास है हमारा ऑब्जेक्ट का, तीनों का हमने एक सेंटर ऑफ मास पे कंसिडर किया, वो क्या कंसिडर किया, कैपिटल एम। तो यहाँ पे एक्स सी आ गया। सिमिलरली अगर हम वाई सी को कंसिडर करें, ये सेंटर ऑफ मास है इन एक्स एक्सिस पे, और ये सेंटर ऑफ मास अगर हम वाई एक्सिस पे कंसिडर करें तो एम वन वाई वन प्लस एम टू वाई टू अपॉन एम वन प्लस एम टू। तो वाई सी इज इक्वल टू समीशन ऑफ एम आई वाई वन अपॉन समीशन ऑफ एम आई। तो क्या हो गया, वाई सी इज इक्वल टू समीशन ऑफ एम आई वाई, और टोटल मास को कंसिडर किया क्या, एम। तो एम इज इक्वल टू मासिस ऑफ ऑल पार्टिकल्स। तो सिमिलरली ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट पे, तो समीशन ऑफ एम आई जेड आई अपॉन एम। तो इस तरीके से तीनों कोऑर्डिनेट्स का हमारा क्या हो गया, हमारा सेंटर ऑफ मासेस। इफ़ पोजिशन ऑफ ईच पार्टिकल, अगर हम किसी भी हर एक पार्टिकल की पोजिशन को डिफाइन करें, आर आई इजिकल्स टू एक्स आई आई कोऑर्डिनेट प्लस वाई आई जे कोऑर्डिनेट एक्सेस और जेड आई के कोऑर्डिनेट। तो आई जे क्या हो गए, इसके पोजिशंस वेक्टर हो गए किसी भी पार्टिकल्स के। तो पोजिशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, अगर हम इसे सेंटर ऑफ मास की टर्म्स में रिप्रेजेंट करें तो कैसे आएगा, आर सी इज इक्वल्स टू एक्स आई की जगह जितने भी पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में लोकेटेड है एक्स सी, जितने भी पार्टिकल वाई डायरेक्शन में लोकेटेड है वाई सी प्लस जेड सी। तो एक्स आर सी इज इक्वल्स टू एक्स सी आई प्लस वाई सी जे प्लस जेड सी के। तो आर सी इज इक्वल्स टू, अगर हम इसे एम आई आर आई के रिप्रेजेंट में टर्म्स में रिप्रेजेंट करें तो वन अपॉन एम समेशन ऑफ एम आई आर आई। तो ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ मासेस। इफ़ आर सी इक्वल्स टू जीरो, इफ पोजिशन वैक्टर कोइंसाइड विद द ओरिजिन ऑफ रिफरेंसेज। तो जो पोजिशन वैक्टर, अगर हमारा जो सेंटर ऑफ मास है अगर किसी भी हमारे ओरिजिन पे लोकेटेड हो, तो उस तरीके उस केस में हमारा समेशन ऑफ एम आई आर आई इक्वल्स टू जीरो, सम ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल पार्टिकल विल बी जीरो। फॉर अ रिजिड बॉडी, अगर कोई रिजिड बॉडी हो, ठीक है, इसको फिक्स सपोर्ट नहीं, तो पार्टिकल इज इक्वल टू लार्ज, स्पेसिंग इज इक्वल टू स्मॉल। तो रिजिड बॉडी के लिए जो पार्टिकल तो बहुत बड़ा होता है पर उनके बीच का स्पेसिंग होता है जो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से जुड़ के वो बनता है, वो क्या होता है, स्मॉल होता है। तो वी डिवाइड द बॉडी इनटू स्मॉल एलिमेंट ऑफ मास डी एम लोकेटेड एट पॉइंट एक्स आई वाई आई
और जेड आई, हम उसे डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक्स ही क्या हो गया, अगर हमने उस रिजिड बॉडी को बहुत सारे स्मॉल एलिमेंट से कंसिडर करके बनाया तो सेंटर ऑफ मास ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट क्या बना, समेशन ऑफ एक्स आई डी एम और समेशन ऑफ डी एम। सिमिलरली वाई सी का भी बना, वाई सी का मतलब सेंटर ऑफ मास इन वाई एक्सेस, वाई कोऑर्डिनेट, तो समेशन ऑफ वाई आई डी आई डी एम अपॉन समेशन ऑफ डी एम, डी एम से बहुत स्मॉल पार्टिकल से बन के वो बना। तो सिमिलरली जेड सी, समेशन ऑफ जेड आई डी एम अपॉन समेशन ऑफ डी एम। तो अगर हम ये क्या करेंगे समेशन, अगर हम इंटीग्रेशन टोटल लेना चाहें तो एक्स इज एक्स क्या बनेगा, सेंटर ऑफ मास ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एम अपॉन डी एम। सिमिलरली वाई सी का भी इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एम अपॉन डी एम। सिमिलरली जेड सी का भी इंटीग्रेशन ऑफ जेड डी एम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। अब क्या करेंगे, जो डी एम है ये टोटल मास कंसिडर किया तो वन अपॉन एम इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एम। सिमिलरली वाई सी का भी वन अपॉन एम इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एम और जेड सी का वन अपॉन एम इंटीग्रेशन ऑफ जेड डी एम। तो दो हम टोटल मास हमने कंसिडर किया था, जो इंटीग्रेशन ऑफ डी एम है तो होल मास हो जाएगा। तो अगर हम आर सी का पूरा सेंटर ऑफ मास हम पोजिशन वैक्टर का कंसिडर करें तो वन अपॉन एम इंटीग्रेशन ऑफ आर डी एम और समेशन ऑफ एम आई आर आई इक्वल्स टू आर डी एम। और समेशन ऑफ एम आई आर आई क्या बनेगा हमारा, क्योंकि आर आई को अगर हम खोलें तो एक्स सी डी एम डी एम और आई वैक्टर वाई सी डी एम जे वैक्टर प्लस जेड सी डी एम के वैक्टर। तो समेशन ऑफ एम आई आर आई एक्स सी आई वैक्टर वाई सी जे वैक्टर जेड सी के वैक्टर और इंटू डी एम। नाउ कंसिडर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मासेज एम, कोई भी सिस्टम है पार्टिकल्स का एन पार्टिकल्स का जिसके मासेज हैं हमारे एम वन एम टू एम वन एन तक, हैविंग जिनके पोजिशन वैक्टर हैं आर वन आर टू आर एन विद रिस्पेक्ट टू फिक्सड ओरिजन, देन सिस्टम मूव सेंटर ऑफ। तो अगर हमारा सिस्टम मूव करेगा तो सेंटर ऑफ मास भी मूव करेगा। तो आर सी क्या है, पोजिशन वैक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मासेज। तो आर सी को हम कैसे लिख सकते हैं, वन अपॉन एम समीशन ऑफ एम आई आर आई, और आर सी को क्या लिखेंगे, वन अपॉन एम ये समीशन ऑफ एम आई आर आर आई को अगर हमने खोला तो एम आई आर वन वैक्टर एम टू आर टू वैक्टर और कहाँ तक गया एम वन आर एन वैक्टर, क्योंकि हमारे एन एम एन तक पार्टिकल्स हैं। और टोटल एम क्या होगा, टोटल मास ऑफ द सिस्टम। तो अगर हम यहाँ पर करें इस आर सी को डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इस आर सी को डिफ्रेंशिएट किया डी आर सी ओवर डी टी वन अपॉन एम समेशन ब्रैकेटेड एम वन इंटीग्रे, ये डिफ्रेंशिएशन है सबके अंदर चला गया और यहाँ पे आर वन आर टू और आर एन पार्टिकल का क्या हो गया, डिफ्रेंशिएशन हो गया। एम वन डी आर वन ओवर डी टी प्लस एम टू डी आर टू ओवर डी टी प्लस ऐसे होता चला गया एम वन एन एनथ पार्टिकल का डी आर एन ओवर डी टी। तो डी आर सी ओवर डी टी क्या बना हमारा, वेलोसिटी बना ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो वन अपॉन एम एम ब्रैकेटेड एम वी वन प्लस एम टू वी टू और कितना बना एम वन वी एन। तो डी आर ओवर डी टी क्या बना हमारा, वेलोसिटी बना। वी सी क्या बना, सेंटर ऑफ मास ऑफ द वेलोसिटी। तो यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू क्या निकल के आई, वन अपॉन एम समेशन एम आई आर आई, ये एम एथ के एम वन एम टू एम एन तक के पार्टिकल हैं और वी आई वेलोसिटी, आई पार्टिकल कहाँ से, वन से लेके एन एथ पार्टिकल। तो ये हमारा क्या बना, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मासेस।